रेफ्रिजरेटर अंडर 30,000 रुपीज में ना आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यार इसमें से आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए ये हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ना आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है बेस्ट 5 रेफ्रिजरेटर जो कि आपको अंडर 30,000 रुपीज में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ना ये जो लिस्ट क्रिएट किया है ना, आप लोग को हो सकता है लग रहा होगा कि किस वे में मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वारंटी पे ध्यान दिया, क्योंकि यार वारंटी हम लोग को अच्छी खासी मिलनी चाहिए। इन्वर्टर कंप्रेसर उसमें रहना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर ना आपका एनर्जी सेव भी करेगा, साथ में ड्यूरेबल एंड बहुत ही कम नॉइज भी प्रोड्यूस करता है। डबल डोर होना चाहिए, क्योंकि अगर अंडर 30,000 रुपीज ले रहे हैं ना, सिंगल डोर लेने का कोई भी फायदा नहीं है, यहाँ पे डबल डोर मस्ट है। साथ में हम लोग को फीचर्स भी अच्छे खासे मिलने चाहिए सारे फ्रिज में। तो यही सब देख के मैंने ये लिस्ट को क्रिएट किया है। ये जो बेस्ट 5 रेफ्रिजरेटर्स है ना इस लिस्ट में, यहाँ पे इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेंगे। इस वीडियो में जो मैंने आपको प्राइजेस बताए हैं ना इस रेफ्रिजरेटर के, ये चेंज होते रहते हैं, मतलब ऑनलाइन प्राइजेस हैं, चेंज होते रहता है। रिसेंट प्राइस जानने के लिए ना आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को इस वीडियो के दौरान कोई भी रेफ्रिजरेटर पसंद आ रहा है ना, लिंक से डायरेक्टली उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम, आप लोग देख रहे हैं शुभम रिव्यू। बेस्ट 5 रेफ्रिजरेटर अंडर 30,000 की लिस्ट में 5th नंबर पर आता है पैनासोनिक की तरफ से रेफ्रिजरेटर। ये जो पैनासोनिक का रेफ्रिजरेटर है ना, 309 लीटर की कैपेसिटी इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें आपका 35 लीटर जो रहेगा वेजिटेबल बॉक्स रहेगा, 83 लीटर आपका फ्रीजर का रहेगा एंड 226 लीटर जो रहेगा ना वो फूड के लिए रहेगा। इसमें जो वेजिटेबल बॉक्स है ना, ये अच्छा खासा लॉक फीचर के साथ आता है, मतलब जितने भी मॉइस्चर रहते हैं ना जो फ्रूट्स या वेजिटेबल से निकलते हैं, ये उसको रिटेन करके रखे रहेगा, जिससे आपका जो वेजिटेबल रहेंगे ना जल्दी ये सड़ेंगे नहीं। यहाँ पे आपको 6 स्टेज इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट रहेगा, बहुत ही कम नॉइज भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में अच्छा खासा ड्यूरेबल भी रहेगा। सराउंड कूलिंग का फीचर दिया गया है, साथ में आपका ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी है। सराउंड कूलिंग मतलब ऑल ओवर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा कूलिंग को फ्रिज के अंदर। ह्यूमिडिटी कंट्रोल ना बहुत जगह ऐसा ही रहता है कि फ्रूट्स ना ह्यूमिड हो जाता है तो उसकी वजह से सड़ने लगते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल इसका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। टफ एंड ग्लास सेल्फ दिए गए हैं, साथ में एजी क्लीन टेक्नोलॉजी दिया गया है। ग्लास सेल्फ ना आपका 100 केजी तक लोड सह सकता है एंड इसका आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आराम से उसको बाहर निकाल के ना कहीं भी सेट कर सकते हैं। एजी क्लीन टेक्नोलॉजी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को जर्म से प्रोटेक्ट करके रखेगा, साथ में फ्रिज के अंदर बिल्कुल भी ओडर नहीं रहेगा। वारंटी के बताऊं तो यहाँ पे 1 ईयर हम लोग को प्रोडक्ट में वारंटी मिलेगी, 10 ईयर हम लोग को कंप्रेसर में देखने को मिलता है, साथ में आज का जो प्राइस है अराउंड 29,990 रुपीज़ देखने को मिलेगा। लिस्ट में 4th नंबर पे आता है वर्लपूल की तरफ से रेफ्रिजरेटर। ये जो वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर है, 265 लीटर की कैपेसिटी मिलेगी, साथ में 3-स्टार रेटिंग है। यहाँ पे ये जो रेफ्रिजरेटर है ना कन्वर्टिबल है, जो कि 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स रहेंगे इसमें, आपको जो भी सूटेबल रहे, जैसा भी आपको लगता है कि हाँ अभी मेरा ये काम है तो इसको आप सेट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है, अडैप्टिव इंटेलिजेंस भी दिया गया है, साथ में हनीकॉम कवर भी दिया गया है। अडैप्टिव इंटेलिजेंस क्या करेगा, आपके यूज़ के हिसाब से रेफ्रिजरेटर के अंदर में ना कूलिंग करेगा, मतलब अगर आप ज़्यादा फूड डाल रहे हैं ना उसके हिसाब से वो कूलिंग को एडजस्ट करता है। साथ में आप जियोलाइट मिलेगा, माइक्रो ब्लॉक मिलेगा एंड फ्रेशनाइजर भी देखने को मिलेगा। जियोलाइट एंड माइक्रो ब्लॉक ना आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अच्छा खासा प्रोटेक्ट करके रखेगा जर्म से। फ्रेशनाइजर आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर में ना बिल्कुल भी ओडर लाने नहीं देगा। यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर जो है ना ऑटोमेटिकली आपके होम इन्वर्टर में कनेक्ट हो जाएगा एंड उसके थ्रू भी रन कर सकता है अगर लाइट कट होता है तो। यहाँ पे हम लोग को 1 ईयर प्रोडक्ट में वारंटी मिलेगा, 10 ईयर हम लोग को कंप्रेसर मिलेगा, साथ में आज का जो प्राइस है 27,490 रुपीज़ देखने को मिलेगा। अपने लिस्ट में 3rd नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से रेफ्रिजरेटर। ये जो सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है, 253 लीटर की कैपेसिटी है इसमें, जिसमें हम लोग को ना 69 लीटर जो रहेगा फ्रीजर का रहेगा कैपेसिटी एंड 184 लीटर जो रहेगा फूड का रहेगा। यहाँ पे डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दिया गया है, जो कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेट कर सकता है। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो सैमसंग का है ना बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, मतलब कंपेयर करेंगे ना अगर हम लोग दूसरे रेफ्रिजरेटर से तो अच्छा खासा साइलेंट भी रहेगा, मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, साथ में हम लोग को एनर्जी सेविंग भी अच्छा मिलेगा। डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है बाहर में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड ऑल राउंड कूलिंग का फीचर दिया गया है।
इसमें हम लोग को पावरफुल फीचर भी देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग का फ्रीजर एंड फूड वाला जो रहता है कंपार्टमेंट, यहाँ पे अच्छा खासा कूलिंग करेगा। डोर अलार्म भी देखने को मिलेगा, साथ में ये भी हम लोग का इन्वर्टर से चल सकता है, साथ में सोलर एनर्जी पैनल लगा हुआ है तो उसके थ्रू भी ये रन कर सकता है। ये सैमसंग के रेफ्रिजरेटर में 1 ईयर की हम लोग प्रोडक्ट में वारंटी मिलेगी, 10 ईयर हम लोग को कंप्रेसर मिलेगा, साथ में आज का जो प्राइस है ना अराउंड 24,490 रुपीज़ देखने को मिलेगा। अपने लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है एलजी की तरफ से रेफ्रिजरेटर। ये जो एलजी का रेफ्रिजरेटर है 260 लीटर की कैपेसिटी इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें 185 लीटर हम लोग को फूड में मिलेगा, साथ में 75 लीटर हम लोग को फ्रीजर में मिलेगा। तो मतलब ये जो एलजी का रेफ्रिजरेटर है ना सैमसंग के कंपैरिजन में, इसमें हम लोग को फ्रीजर में ज़्यादा कैपेसिटी मिल रही है। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, साथ में मल्टी एयर फ्लो एंड डोर कूलिंग प्लस। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर अच्छा खासा वर्क करता है एलजी की तरफ से। मल्टी एयर फ्लो ओवरऑल पूरे फ्रिज के अंदर में ना एयर को फ्लो करेगा, इवनली कूलिंग होगा। डोर कूलिंग प्लस क्या रहता है ना, कई कई टाइम ये रहता है कि डोर के तरफ ना कूलिंग सही से नहीं मिल पाता है, तो डोर के पास में ही एक फ़ैन लगा हुआ है जिसके हेल्प से ना डोर वाले साइड जो बकेट रहते हैं उसमें भी कूलिंग अच्छा खासा होगा। जेट आइस फीचर दिया गया, जो कि 90 मिनट्स में ही सिर्फ और सिर्फ आइस को जमा सकता है। मॉइस्ट एंड फ्रेश रहेंगे आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये भी रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेट कर सकता है, साथ में एंटी बैक्टीरियल गैस्केट भी देखने को मिलेगा। इसमें ना प्रोडक्ट में वारंटी हम लोग को 1 ईयर की मिलेगी, 10 ईयर हम लोग को कंप्रेसर मिलेगा, साथ में आज का जो प्राइस है अराउंड 25,690 रुपीज़ देखने को मिलेगा। बेस्ट 5 रेफ्रिजरेटर अंडर 30,000 रुपीज़ के लिस्ट में ना सबसे पहले आता है वर्लपूल की तरफ से रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी अभी तक बताए सब डबल डोर थे, ये जो है ना ये ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर है। यहाँ पे 240 लीटर की कैपेसिटी है, जिसमें हम लोग का 3 डोर वाला जो रहेगा ना फीचर, इसमें हम लोग को एक नीचे सबसे वेजिटेबल बॉक्स मिलेगा, बीच में हम लोग को फूड रखने के लिए रहेगा एंड सबसे ऊपर में हम लोग को फ्रीजर कंपार्टमेंट रहेगा। इसमें जो वेजिटेबल बॉक्स रहेंगे ना 32 लीटर की कैपेसिटी के साथ वो आएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है यार, बहुत टाइम ये भी होता है ना फ्रूट्स या अगर आप कुछ भी फूड कंपार्टमेंट में रख रहे हैं ना, तो जो वेजिटेबल के जो स्मेल है ना वो उसमें जा सकता है, तो यहाँ पे ये अलग हो गया है, तो बहुत ही मतलब सेफ रहेगा स्मेल से। जियोलाइट माइक्रो ब्लॉक ये सब फीचर इसमें देखने को मिलेंगे, साथ में मॉइस्चर रिटेंशन भी रहेगा। एडजस्टेबल कूलिंग टेक्नोलॉजी है जो कि एयर बूस्टर के साथ आता है। इसमें हम लोग को टफेंड ग्लास सेल्स देखने को मिलेगा, साथ में आइस ट्विस्टर भी रहेगा। ये जो वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर है 3 डोर रेफ्रिजरेटर, 1 ईयर की हम लोग को प्रोडक्ट में वारंटी मिलेगी, साथ में 10 ईयर कंप्रेसर का रहेगा। आज का जो प्राइस है ना अराउंड 26,890 रुपीज़ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा बेस्ट 5 लिस्ट रेफ्रिजरेटर का, जो कि आप लोग को अंडर 30,000 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पे इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई रहती है ना एक रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करने में, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप लोग इस वीडियो के थ्रू कोई भी रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करें हैं कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे नया कोई भी वीडियो लाऊं आप उसको मिस ना करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।